केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ कोल इंडिया के मजदूरों की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। गिरिडीह के सीसीएल एरिया में सैकड़ों लोग हड़ताल को सफल बनाने के लिए झंडा बैनर के साथ सड़कों पर उतरे। जहां कोयला का प्रोडक्शन और डिस्पैच पूरी तरह ठप रहा, वहीं इक्का दुक्का छोड़ अधिकांश कोयला श्रमिक हड़ताल में दिखाई दिए। हड़ताल को पूरी तरह सफल बताते हुए संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने इसे केंद्र सरकार के लिए साफ संदेश बताया कि उनकी तानाशाही फरमान कोयला क्षेत्र में चलने वाली नहीं है। सरकार को कमर्शियल माइनिंग, एफडीआई और कुल मिलाकर प्राइवेटाइजेशन से पीछे लौटना ही होगा और मजदूरों को उनका वाजिब अधिकार देना ही होगा। ट्रेड यूनियन का एक तरह से सफल रहा और यहाँ पे कर्मचारी जो है वो भी खुलकर साथ दिए, क्योंकि पता होगा कि 2014 से पहले मोदी सरकार जो एफडीआई के विरोध में थी, आज वह एफडीआई के सपोर्ट में है। और जो कोल माइंस है उसमें लगभग पूरे भारत में 42 कोल माइंस है, उसमें से 9 कोल माइंस झारखंड में बिना पूछे वो नीलाम करने के लिए चल पड़ी। तो इस तरह से पूरे सीसीएल क्षेत्र में और सीसीएल कर्मी हैं उनके साथ बड़ा प्रॉब्लम होगा। एक तरह से उसका हम लोग संयुक्त मोर्चा की तरफ से विरोध कर रहे हैं और आगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 18 जून को 41 कोयला ब्लॉक के वाणिज्य खनन को लेकर नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इस कदम के साथ देश के कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। वहीं संयुक्त मोर्चा ने इस बार हड़ताल को सफल बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारी कर रखी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश की रिपोर्ट।